हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसमें हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है NPS। द एन इज फॉर न्यू, पी इज फॉर प्रॉफिट, एस इज फॉर शेयरिंग। सो लेट अस सी द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दैट आई हैव टेकन टुडे, जिसमें मैंने चार केसेस लिए हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 5:3:2, यानी कि 5+3 इज 8, 8+2 इज 10। तो यानी कि एक्स का शेयर है 5/10, वाई का 3/10 एंड जेड का 2/10। हमें कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब इस क्वेश्चन में फोर केसेस आर गिवन। केस नंबर वन है एज पर न्यू एग्रीमेंट, यानी कि इन्होंने आपस में जो नया एग्रीमेंट बनाया उसमें जेड जो है 1/5 शेयर लेगा फ्रॉम एक्स, एक्स देगा उसको। और केस टू में जो नया एग्रीमेंट इन्होंने बनाया उसमें एक्स जो 1/5 शेयर ले रहा था वो इक्वली लेगा, यानी कि आधा 1/5 का एक्स देगा और आधा 1/5 का वाई देगा जेड को। थर्ड केस में एज पर न्यू एग्रीमेंट एक्स वाई जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, यानी कि थर्ड केस में इनकी न्यू रेशियो आपको गिवन है 1:1:1, ओल्ड इज ऑल्सो देयर, तो आप बड़े आराम से सेक्रीफाइस या गेन निकाल सकते हैं। केस फोर में एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई, तो यानी कि एक्स का जो शेयर है वो 1/5, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स के शेयर से, और जो वाई से वो एक्वायर कर रहा है दैट इज 1/6 मल्टीप्लाइड बाई वाई शेयर। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो फ्रॉम था, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, राइट। नाउ लेट अस बिगिन विद केस नंबर वन। केस नंबर वन क्या है कि नए एग्रीमेंट में जेड जो है 1/5 शेयर ले रहा है एक्स से, तो सिंपली हमने पार्टनर्स के नाम लिखे एक्स वाई जेड। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर एक्स का 5/10 है, वाई का 3/10 है, जेड का 2/10 है। तो जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, तो हमने क्या करा, 5/10 जो उसका शेयर था उसमें से माइनस कर दिया 1/5, तो एलसीएम हमारा आया 10, 5 - 2 इक्वल टू 3/10। तो 3/10 एक्स का नया शेयर आ गया 3/10, और ये जो 1/5 एक्स जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, फॉगो कर रहा है जेड के फेवर में, जेड इस 1/5 को अपने ओल्ड शेयर में ऐड कर लेगा। तो 2/10 प्लस 1/5, एलसीएम इज 10, 2+2 इज 4/10। तो जेड का नया शेयर कितना आ गया 4/10, वाई के शेयर में कोई चेंज नहीं है, हमने सेम लिखा उसको। तो यानी कि एक्स का नया शेयर आया 3/10, वाई का सेम रहा 3/10, जेड का हमारा आया 4/10। तो न्यू रेशियो क्या बन गई हमारी, 3:3:4। हमें याद रखना है कि डिनोमिनेटर सेम होंगे वाइल फाइंडिंग आउट द न्यू रेशियो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम एलसीएम लेकर पहले उन्हें सेम करेंगे। इस केस में डिनोमिनेटर्स आर सेम, राइट। तो दैट इज वाई वी हैव जस्ट रिटन द न्यूमरेटर्स एज द रेशियो 3:3:4। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर्स, और हमारा फॉर्मूला था ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। तो एक्स का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइस, और इन दिस केस हमने क्या करा, ओल्ड शेयर 5/10 है, वी हैव रिटन 5/10 माइनस हिज न्यू शेयर इज 3/10। तो 5/10 माइनस 3/10 इक्वल टू 2/10 विच इज़ नथिंग बट 1/5, तो उसका सेक्रीफाइस कितना आया 1/5। और Z ने गेन किया है, तो Z का ओल्ड शेयर था 2/10 माइनस न्यू शेयर इज 4/10, वी गॉट माइनस 2/10 विच इज़ नथिंग बट माइनस 1/5। यानी कि जब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, X का जो आंसर आया वो हमारा पॉजिटिव आया और Z का जो आंसर आया वो हमारा नेगेटिव आया। तो जब आंसर पॉजिटिव आ रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाने के बाद, तो इट मीन्स दैट पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ये X का सेक्रीफाइस आया 1/5, और Z का जो आंसर आया माइनस में आया, तो यानी कि Z ने गेन किया 1/5। क्लियर। तो दिस इज़ द वे वी विल बी डूइंग द कैलकुलेशन। और अगर आप इस एग्जांपल को दोबारा देखें तो यू कैन सी हियर कि जो अगर हमें न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन है, तो हम कितना सेक्रीफाइस कितना गेन इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस वॉज केस नंबर वन। नाउ आई विल स्टार्ट विथ केस नंबर टू, जिसमें एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो यानी कि अब जेड ने इक्वली शेयर लिया है फ्रॉम अदर टू पार्टनर्स। तो जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई, इक्वली का मतलब है 1:1 इज द रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस 1/5 शेयर। तो यानी कि हाफ ऑफ 1/5 एक्स दे रहा है, हाफ ऑफ 1/5 वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो एक्स वाई जेड आर द थ्री पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर 5/10, 3/10, 2/10
10 गिवन है क्वेश्चन में. हमने लिखा x एंड y सेक्रीफाइस एंड z गेन्स. तो 1/5 का हाफ इज 1/10, यानी कि x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, y कितना दे रहा है 1/5 मल्टीप्लाइड बाई हाफ अगेन 1/10, दोनों 1/10 सेक्रीफाइस कर रहे हैं. और z गेन कितना करेगा 1/10 फ्रॉम x एंड 1/10 फ्रॉम y. तो 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2/10, ये z का गेन है, राइट. अब न्यू रेशियो के लिए हमने क्या करा, ओल्ड माइनस द सेक्रीफाइस. हमने यहाँ पे किया 5/10 माइनस दिस 1/10 वी गॉट एज 4/10, y का 3/10 माइनस द सेक्रीफाइस 1/10 इज 2/10, एंड z में हमने ओल्ड शेयर में गेन को ऐड कर दिया 2/10 प्लस 2/10 इज 4/10. तो नई रेशियो आ गई तीनों की 4:2:4. नाउ सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है x और y की, वो क्या निकली, जो इनका सेक्रीफाइस है दैट इज 1/10 एंड 1/10. तो 1/10:1/10 दैट इज 1:1 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ x एंड y. और z ने गेन किया है कितना 2/10, तो गेन ऑफ z इज 2/10. नाउ लेट्स सी केस नंबर 3. एज पर न्यू एग्रीमेंट x, y एंड z डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली. यानी आपको नई रेशियो गिवन है, ओल्ड ऑल्सो यू नो, तो सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे हम इस पर. तो x एंड y z डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली में हमने फिर से एक टेबल बनाया जिसमें x, y, z पार्टनर्स के नाम लिखे, इनके एग्जिस्टिंग और ओल्ड शेयरर्स 5/10, 3/10, 2/10 गिवन. न्यू शेयर इनका 1:1:1 बना, तीन पार्टनर्स हैं, तो 1+1:2, 2+1:3, तो यानी कि 1/3, 1/3, 1/3. न्यू शेयर पता है, ओल्ड शेयर पता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. तो हमने यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेशन कर ली सेक्रीफाइस और गेन. तो x का देखो 5/10 माइनस 1/3, 30 इज द एलसीएम, 15-10 इज 5/30, दिस आंसर इज पॉजिटिव, तो हमने यहाँ लिख दिया सेक्रीफाइस. y का 3/10 माइनस 1/3, तो एलसीएम इज अगेन 30, 9-10 इज -1/30, तो नेगेटिव आंसर है, तो इट मीन्स ही इज गेनिंग, गेन है इसका. z का हमने लिखा 2/10 माइनस 1/3, दैट इज 6-10 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू -4/30, तो दिस इज गेन ऑफ z. तो यानी कि y और z जो है वो गेन कर रहे हैं और x सेक्रीफाइस कर रहा है. तो मैंने यहाँ लिख दिया x सेक्रीफाइस 5/30 एंड गेनिंग रेशियो ऑफ y एंड z इज 1/30:4/30 विच इज़ नथिंग बट 1:4. सो दिस इज द केस नंबर 3 जिसमें आपको सिंपली न्यू और ओल्ड रेशियो दे रखी थी और आपने सिंपल फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट किया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो को. नाउ द लास्ट केस इज केस नंबर 4 जिसमें z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x एंड 1/5 शेयर ऑफ y. तो इसमें हमने तीनों पार्टनर्स के नाम लिखा x, y, z. ओल्ड शेयरिंग के 5/10, 3/10, 2/10 गिवन थी. x एंड y सेक्रीफाइस एंड z गेन कर रहा है. तो x से कितना कितना शेयर लिया जा रहा है z के थ्रू, 1/5 ऑफ x. ऑफ का मतलब मैंने आपको मल्टीप्लाई बताया, तो 5/10 x का शेयर था, मल्टीप्लाई करा y 1/5 से, वी गॉट 1/10, यानी कि 1/10 x सेक्रीफाइस कर रहा है और 1/6 वो y का ले रहा है. तो 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 इज 1/20. y कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20, और z जो है वो गेन कर रहा है 1/10 x से ले रहा है, 1/20 y से ले रहा है. हमने इन दोनों को ऐड किया, 20 इज एलसीएम, 2+1 इक्वल टू 3/20. तो z का गेन कितना आ गया 3/20. अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, जो भी इनकी एग्जिस्टिंग रेशियो उसमें से इसमें इनका सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे. तो 5/10 माइनस 1/10 दैट इज 4/10, तो 4/10 इज x शेयर. देन y का हमने लिखा 3/10 माइनस 1/20. अब यहाँ पे एलसीएम लिया, 20 आ गया, 6-1 इज 5/20. z का हमने क्या किया, 2/10 प्लस द गेन 3/20. तो 2/10 प्लस 3/20 इज 4+3 डिवाइडेड बाई 20, वी गॉट 7/20. अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारा 4/10 था और यहाँ पे 5/20, यहाँ पे 7/20. तो डिनोमिनेटर्स जो है डिफरेंट जा रहे थे, तो हमें एलसीएम क्या लेना है, 20, राइट. वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. तो हमने एलसीएम, हमने डिनोमिनेटर 20 करने के लिए क्या किया, 4/10 को मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 से और डिवाइड भी कर दिया 2 से. सिंपल मैथमेटिक्स. तो 4 2 8, 10 2 20, 8/20, राइट. तो 8/20, 5/20 एंड 7/20 इज द न्यू रेशियो विच इज़ नथिंग बट 8:5:7. तो न्यू रेशियो कितनी आ गई, 8/5:7. z ने गेन कितना किया था 3/20, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो x एंड y की जो है दैट इज़ 1/10
इज़ टू 1/20 थी, एलसीएम सेम करेंगे तो 2/20 इज़ टू 1/20, यानी कि 2:1 इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सो दिस इज़ केस नंबर 4. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.